सबसे पहले आपको यहाँ जो सिलेक्शन टूल्स है ना पेंट में, उसे सिलेक्ट करना है, और जो भी प्लेस है जहाँ पे इक्वली जो लिखा हुआ है ना उस जगह के बराबर है, वहाँ से आपको सिलेक्ट करके पेस्ट करना है। इसे कैसे सिलेक्ट करता हूँ, कैसे पेस्ट करता हूँ, उसके पहले समझ लेते हैं। ये सिलेक्शन टूल है जो पेंट है ना बड़ी इग्नोर किया जाता है, टीचर लोग ने बहुत इग्नोर किया है, तो हमने उसे ही कवर करने के पेंट में हम ऐसे काम कर सकते हैं जो फोटोशॉप का हमें नीड ही ना पड़े। ठीक है, इसके लिए हमको माउस में लेफ्ट सिलेक्शन टूल को क्लिक करने के बाद माउस का लेफ्ट दबा के कॉर्नर एरिया से खींचना है। ठीक है, उसके बाद आपको एक एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अब कीबोर्ड में कंट्रोल दबा के माउस का लेफ्ट स्क्रीन दबा के खींचना है। ठीक है, एक साथ कंट्रोल भी दबेगा, अगर कंट्रोल नहीं दबेगा ना कॉपी उसका एक अलग कॉपी नहीं बनेगा। वो देखो, मैं अगर कंट्रोल नहीं दबाऊँगा ना वो पिक्चर चला आएगा और वहाँ पे प्लेस ब्लैंक रह जाएगा, लेकिन कंट्रोल दबा के करूँगा ना तो उसका एक कॉपी निकल कर आएगा। यही होता है सिलेक्शन टूल का मेन काम। ये सब चीज़ बहुत इग्नोर किया जाता है, टीचर लोग बहुत इग्नोर करते हैं जैसे कि ये कुछ है ही नहीं, लेकिन इसमें ना आप बहुत सारे चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको फोटोशॉप सीखने में दिक्कत आ रही है ना तो आप पहले इसको सीख जाओ, उसके बाद आपको फोटोशॉप सीखने में बहुत आसान हो जाएगा भाई। फोटोशॉप का बेसिक यहाँ से आपको फंडामेंटल मिल जाएगा, कैसे सिलेक्शन टूल्स काम करता है, कैसे कैसे सारे टूल्स का आपको टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है, ये सब चीज़ यहाँ से पता चल जाएगा तो फोटोशॉप सीखने में बहुत आसान हो जाएगा। मैंने ना फोटोशॉप पहले यही काम सीखा था और इससे बहुत सारे पैसे कमाए। सच में यार ये काम का चीज़ है जो बहुत सारे जगह पे आपको इग्नोर किया जाता है, जैसे कि आपको ये इसका कोई काम नहीं है पेंट का, लेकिन या तो बचपना चीज़ें दिखा देते हैं कैसे ये वगैरह बनाते हैं, वो सब चीज़ इग्नोर करो। पेंट में मैं दो चीज़ सिखाऊँ वो कभी नहीं बोलना। ठीक है, ऐसे करके आपको जो है ना लिखा वाला जगह कवर कर लेना है। ठीक है, ऐसे कवर कर लेना है हर कोई जगह, जिसको भी आप चेंज करना है ना वो जगह आपको चेंज कर लेना है। ठीक है, जैसे भी वो मार्क है तो वो बराबर वाला हिस्सा, मतलब कि जहाँ पे जिस कलर का जो लकीर खींचा हुआ है ना वही कलर का आपको लेना है। अक्सर आप क्या करते हो, अगर क्लोन टूल में या पेंट में कर देते हो तो वो प्लेन हो जाता है, लेकिन ये जो लकीर गार जिससे ये पता नहीं चलता है ना, इसके लिए आपको वो करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आप पेंट भी कर सकते हो, अगर कोई ज़्यादा कुछ हो गया तो उसको आप पेंट करके हिला सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। ठीक है ना, अब आपको बारी है फ़ोटो को लाना है। ठीक है, अब इसके लिए आपको फ़ोटो स्कैन कर लेना है, और फ़ोटो स्कैन करने के बाद जो भी फ़ोटो है ना वो दूसरे एक अलग ही टैब में ओपन करना है, जैसे कि मैं वही पेंट में ही ओपन करना है, ओपन विथ पेंट, और दूसरा टैब वो ओपन हो जाएगा। देखो अभी दूसरा टैब में हम देखें वो फोटो आ गया, उसको हम कंट्रोल ए दबा के कंट्रोल एक्स दबा देंगे, कंट्रोल एल पे ऑल सिलेक्ट, कंट्रोल एक्स पे कट हो जाएगा, उसके बाद जो पहला पोर्टल में आएगी ऑटो कंट्रोल भी पेस्ट हो जाएगा। इतना ही याद रखना, कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी, उसके बाद उसको जो साइज करके हमें लगा देना है, बस फोटो भी लग गया। उसके बाद हमें ये जो QR कोड है ना उसको भी हम बदल सकते हैं, मतलब कि हमारा हिसाब से QR कोड भी, जैसे फ़ोटो हमने बदला वैसे QR कोड भी बदल सकते हैं। और QR कोड कैसे हम चेंज करते हैं, कैसे बदलते हैं, उसके रिगार्डिंग मैंने और अलग ही एक वीडियो बना के रखा हूँ जो अनलिस्टेड है। जो लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं कि उनको ज़रूरत है तो मैं उन्हें प्रोवाइड कर देता हूँ, लेकिन ये सबको प्रोवाइड नहीं करता हूँ सिक्योरिटी इशू के लिए। पर ठीक है ना, आपको अगर चाहिए तो आपको मेरे से जो टेलीग्राम में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यूट्यूब में वो वीडियो आपको नहीं दे सकता हूँ, वो थोड़ा सिक्योरिटी इशू है। तो अभी चलो नेक्स्ट, आपको टेक्स्ट की में अपना टेक्स्ट का साइज जितना भी रखना है रख लेना, जैसे कि आपको चाहिए जितना उसका ज़रूरत है उसी हिसाब से टेक्स्ट का साइज रख लेना, फिर टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर देना और फिर आराम से लिख के देना, जो 5 मिनट में काम ख़त्म हो जाएगा। एक चीज़ वो बच्चे अगर 5 मिनट में कर ले रहे हैं ना तो आप भी कहीं से भी कर सकते हो। देखो कहीं भी टेक्स्ट करना है, उसके बाद टेक्स्ट को खींच के ला के उसका सही पोजिशन में रख देना है, बस इतना ही तो काम है। इसके बाद पूरा का पूरा सर्टिफिकेट आपका कितना 4-5 मिनट में बन जाएगा। कोई भी सर्टिफिकेट हो भाई, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कोई भी सरकारी कागज़ हो, उसका कॉपी बनाना है तो आपको अगर फोटोशॉप का नॉलेज नहीं है, मतलब कि आपको फोटोशॉप नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको सब कुछ मैं देखो कैसे बना रहा हूँ बड़ी आसान से। उसका अगर आपको पेंट का डिटेल्स क्लास चाहिए कैसे कैसे काम करता है ये टूल्स, तो उसके लिए मैंने अलग ही क्लास बना रखा है, और वो कृपया देख ले, वो क्लास देख लेंगे ना तो जिनको पेंट के बारे में ही पता नहीं तो वो जान लेंगे। पेंट अक्सर एक सॉफ्टवेयर है जो हर, मतलब कि
हर कंप्यूटर में दिया जाता है इनबिल्ट, आप कंप्यूटर लाओगे तो ही मिल जाएगा। तो इसका और नहीं मिला तो भी डाउनलोड कैसे करते हैं, इसके लिए भी मैंने इंस्टॉलेशन का एक वीडियो बना रखा हूँ, तो वो भी देख लेना, ठीक है। ऐसे करके आप अपना मार्ग बढ़ा सकते हैं, अगर घर से चप्पल खाने का नहीं है तो ऐसे मार्क बढ़ा सकते हैं, जैसे वो बोल्ड में है तो आप बोल्ड कर सकते हो, ठीक है ना, फिर से लिखो फिर से बोल्ड कर दो, तो यही सब चीज़ें। या उसका जो राइटिंग स्टाइल, जैसे कि वो थोड़ा छोटा होना चाहिए तो छोटा कर दो, 65 में ले लो तो सही है। तो आपको वो सब चीज़ मतलब कि वो में कोई भी हर डॉक्यूमेंट में अलग अलग होता है, तो आपको अपना जो अंदाज है लगाना पड़ेगा कि मैं इतना में कर सकता हूँ। आपको आंखों में भरोसा करना चाहिए कि देख लो भाई सामान आया कि नहीं, क्योंकि आपको मैं अभी कुछ बताऊंगा तो वो आपके डॉक्यूमेंट में शायद काम ना आए, क्योंकि आपका हिसाब से आपको लगाना है, आपको देखना है बार बार। बस मैंने जो चीज़ें बता दिया क्या करना है, सिलेक्शन टूल से आप सिलेक्ट करना है, जो लिखा हुआ स्थान उसे कवर करना है, उसके बाद वहाँ पे आपको लिखना है, इतना काम है। कोई भी सर्टिफिकेट आप 5 मिनट में उसका डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हो। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर कहाँ पे होता है, जो श्रमिक लोग होते हैं ना वो बाहर काम करने जाते हैं प्राइवेट कंपनियों में, अभी एक दिक्कत वाला चीज़ कर लिए कि वो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि भाई हमें सर्टिफिकेट चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे आप लेबरी के काम करो, आपको चाहिए कोई क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। तो ये लोग यहाँ पे ये लोग सर्टिफिकेट बनाने जब जाते हैं डुप्लीकेट में, तो वो 1,000-1,500-2,000 ऐसे कुछ चार्जेस ले लेते हैं। तो ये चीज़ आपने सीख जाओगे ना, आप खुद बना सकते हो, कोई भी नेटकम में जाके आप अपने लिए बना सकते हो, उसको प्रिंट करके निकाल के ले आओगे, 50 रुपये में ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 100 रुपये में हो जाएगा। और इससे कोई भी ज़्यादा मांग रहे तो मुझे कॉन्टैक्ट करो, मैं 100-150 रुपये में आपको बना के भेज दूँगा, ठीक है ना भाई। तो ये वो चीज़ है जो अक्सर जो भी दादन श्रमिक हो या कोई भी श्रमिक जो बाहर जाके काम कर रहे हो उनके लिए बहुत काम लगता है। और उसके बाद जिनका सर्टिफिकेट खो जाता है, जल जाता है, उनके लिए जो डुप्लीकेट कॉपी मंगवाना बहुत दिक्कत वाला काम है, तो वो इससे काम चला सकते हैं। उसके साथ जिनका जैसे कि डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रूफ नहीं है, जैसे कि मैरिज कम एज में हो गया है लेकिन उसका प्रेग्नेंट भी हो गया है, डिलीवरी नहीं हो रहा है, मतलब कि डिलीवरी के समय कोई दिक्कत आ रहा है कि हॉस्पिटल में दिखा रहे कि उसका एज नहीं हुआ है, उस टाइम पे ये सब चीज़ कर सकते हो। ये इलीगल है मगर काम चलाने के लिए सही है। इंडिया में क्या इलीगल है भाई, जब आदानी। दर्शक बंधु, आज मिलिए ये दो बच्चों को, ओडिशा का ये दो हुनहार बच्चे, कोई भी डॉक्यूमेंट उनको दो, वो उनका 5 मिनट में उसका डुप्लीकेट हुबहू बना देंगे, बिना फोटोशॉप में, सिर्फ पेंट में, माइक्रोसॉफ्ट पेंट में ये इतना अच्छे तरीके से डुप्लीकेट बना देंगे, कोई भी पहचान नहीं पाएगा। अगर किसी को ज़रूरत पड़े ना, इन दोनों बच्चे से कॉन्टैक्ट कर लिया। सिर्फ उम्र कितना है तुम दोनों का, 14 साल की उम्र में क्या सीख लिया भाई साहब, मतलब सैल्यूट करता हूँ इनके टैलेंट पे। आज देखते हैं कैसे कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी सर्टिफिकेट है, उसका डुप्लीकेट कैसे बनाते हैं, आज उसके बारे में हम वीडियो रख रहे हैं उनसे सीख के। तो पूरा क्रेडिट इन दोनों बच्चे को है जो अपना फेस दिखाना नहीं चाहते हैं।